कथन था मेरा, ताली बजा यार, हो गई बात हमारे दोनों के बीच की, इसीलिए सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। साहब मैंने सब पूरी कविता सत्तन जी को समर्पित किया, उनके चरणों में रखी है। सचमुच कविता सुनिए मन से, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बीच बीच में पता नहीं कभी मुझे कुछ हो जाता है, कभी उन्हें कुछ हो जाता है। ना राजनीति के वो आदमी, ना राजनीति का मैं आदमी। एक साहब ये उठे, इनको भी कुछ हो गया। हे आर्य पत्रो बैठ जाओ, बैठ जाओ आर्य पत्रो। अरे उनको मत रोकना, बहुत बुढ़ापा है यार। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख, मेरा जीवन सुन लो। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, बगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। और सुनील जोगी को समर्पित करता हूँ मेरी कविता का शीर्षक, जीवन भर मेरी इसी एक कविता का शीर्षक मेरा आदर्श रहेगा, इसी पर टिका रहूंगा। और आप आशीष देना कि मैं इस शीर्षक से कभी डिग ना जाऊं। झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं, झोपड़ियों से लाल किले तक जाता हूं, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। जीते रहो भैया, वाह वाह। सत्ता बदली मैंने कविता शुरू की, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा। तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो इतिहास में लिखा गया, अमर रहेगा, तो मैंने उसकी चर्चा की है, स्वीकारना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को। बहुत हम सब कवियों की कविताएं सुनते हो, सबने सुनाई है उनको कविताएं, ऐसा कोई कवि है नहीं जिनको उन्होंने सुना नहीं हो। मैंने बहुत ज्यादा 20 सालों से मुख्यमंत्री बनने से पहले से कविताएं सुनाई है। और एक बात कह रहा हूं रामेश्वर जी, मेयर साहब, सत्तन दादा, अगर वो व्यक्ति जिसके पास आप उठ बैठ लेते हो, देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है ये तय करने का अधिकार उस आदमी को मत देना, ये तय करने का अधिकार अपने पास रखना कि आपका उस आदमी से क्या रिश्ता है। मैं रिश्ता तय करता हूं, आपका आशीष उठाता हूं, आपकी तालियों से सुनना। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को, आप विजय के जन नायक हो मैं पीड़ा का गायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो मैं जनपथ का नायक हूँ, आप राजपथ के नायक हो मैं जनपथ का नायक हूँ, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की माँ संसद का मान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे। थोड़ा गंभीर बात सुनना, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, ताली चाहे मत बजाना, गंभीर बात सुन लो, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभ है नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा। लोग परेशान है, दो चुनाव राजस्थान हार गए, दो चुनाव यहां हार गए, दो चुनाव उत्तर प्रदेश में हार गए। देखो ये समझौता है, उपचुनाव विपक्ष के, मुख्य चुनाव भाजपा के, ले लो दो दो समझे, विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, देश एक चेंज चाहता था। और अगली पंक्ति पर हंस लेना, विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी,
और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनुभव फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम, दूसरा छंद सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधु सन्यासी ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं। विनय कटियार जी ने भी आज बहुत हिम्मत दिखाई है। आज आपके रथ के सारे घोड़े, मैं जानता हूं भाजपा की व्यासपीठ बैठी है, मैं जानता हूं भाजपा के अधिकतर आप लोग हैं, खिलाफ बोलूंगा आपके और आप विवश होंगे कि एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा, मुझे तरीका सुनना आप। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो। मैं उस आदमी के साथ काम करता हूं, अपनी अपनी राय किसी किसी के अलग हो सकती है। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है, मैंने जेपी के साथ काम किया 1975 में, मीसा भोगा मैंने, मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ। फिर मैंने जीवन में राजनीति नहीं की, फिर मैंने रामदेव बाबा के साथ काम किया, और इसलिए किया कि मुझे लगा कि ये आदमी गरीब आदमी को स्वस्थ दे रहा है। अब लोग कहते हैं वो तो लालो रामदेव है, साबुन बेचता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, अगर हिंदुस्तान के व्यापारियों ने अच्छा साबुन बनाया होता तो विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बिकने क्यों आया होता। स्वदेशी के नारे लगाते रहे सब, एक आदमी प्रकट लेके खड़ा हो गया तो लोग उसके कपड़े देखने लगे। मैं चाहता हूं नए वर्ष पर, चाहता हूं भारत की संस्कार संस्कृति जिंदा रखनी है तो 50 बाबा रामदेव हिंदुस्तान में होने चाहिए, 50 पतंजलि संस्थान हिंदुस्तान में होने चाहिए, सारी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान छोड़कर चली जाएंगी। मैं आज भी उनके साथ काम करता हूं, मैं उनका आज भी ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं उनके व्यापार का हिमायती नहीं हूं, लेकिन उनके भारतीय संस्कार संस्कृति संवेदनाओं के संवहन का सारथी हूं। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको अच्छी ना लगे तो चुप रहना, आपको अच्छी लगे तो समर्थन करना। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल ले जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था, बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था, बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर। और 2 लाइन पढ़ता हूं, देखता हूं अब कितनी ताली बजाते हैं आप। मैं उन तालियों का आकाश देखना चाहता हूं कि कितनी बज सकती हैं। बहुत सहज पंक्ति पढ़ूंगा, और कब समय लो, मैं तालियों के पहाड़ बनाने की परंपराओं का एक पापी मैं भी हूं, बूढ़ा अभी भी इतना नहीं हुआ कि ये काम आज नहीं कर सकता। मैं जानना चाहता हूं कि मैं आज भी समर्थ हूं कि नहीं तालियों का पहाड़ खड़ा करने के लिए। 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपको लगता है कि आप मुझे सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं समर्थ हूं, तो मुझे सर्टिफिकेट देकर भेजना। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया, वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया, स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया, पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर। और कविता की सबसे अच्छी लाइन सुनना, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है, मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं मरने दूंगा। सत्ता का सिंहासन से संग्राम, तीसरा छंद सुनना। हमने कई व्यथा भोगी, मेरी ईमानदारी पर फिर हौसला चाहिए। हमने कई व्यथा भोगी है जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भय। मेयर साहब बैठे हैं, एमएलए साहब बैठे हैं, सरपंच जी बैठे हैं, हमारी मंच की कवियों की व्यासपीठ बैठी है। कवि को तो कहने का हक है,
और मैं हक मांगता हूं आपसे कहने का सुनना, हमने कई व्यथा भोगी है जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, जिंदा को मैं कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता उसका भाषण लाल किला भी बारम्बार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारम्बार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौरा हूं पर आंख लाल कर पूछूंगा, यह है हरिओम पवार। हरिओम पवार देखना, मैं चारण हूं चौरा हूं पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम। अंतिम छंद सुनना साहब, मैंने जिसके लिए कविता लिखी, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अंतिम छंद के लिए मैंने मेहनत की, बातें आपको इसलिए सुनाई कि मेरी अंतिम पंक्तियां सुन लें। देखो साहब, देश में सब कुछ है और सब सरकारों ने काम किया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी ने कुछ किया ही नहीं, सब करते हैं काम। मेरा वाक्य ध्यान से सुनना, नव वर्ष पर बोल रहा हूं, सब सरकारों ने आदमी के लिए विकास किया, किसी भी सरकार ने आदमी का विकास नहीं किया। अगर हमने आदमी का विकास किया होता तो हमारे साधु संन्यासी जेलों में नहीं होते, और वो जेलों में किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं गए, वो जिन कामों के लिए गए आप जानते हैं। संवेदनाओं का मरता हुआ देश है मैं ना, नव हिंदू नव वर्ष पर मेरे पास जो सबसे अच्छा कहने के लिए है वो 10 सेकंड की एक कहानी है, और कहानी ये है कि एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत बड़ी कार में एक साड़ी की दुकान में आई, और दुकानदार को बुला के कहा कि मुझे एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, हर अमीर महिला अक्सर यही करती है, खास बात यह है कि उसके आधे घंटे बाद 80 साल की एक बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी हुई रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। देश में मरती संवेदनाओं को बचाइए, राष्ट्र का संस्कार संस्कृति जिंदा रहेगा, इनकी तो नींव ही संवेदना होती है। ये सौगंध तुम, अंतिम छंद पढ़ रहा हूं बस, इसके बाद हमारे गुरु सत्तनदास कवि सम्मेलन पर एक कलश रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि कथा हुई उसका प्रसाद बटेगा, सत्तनदास को बिना सुनाए कोई ना जाए, और बहुत मन से इस उम्र में भी हम उनको खुद सुनते हैं, आपकी तरह बैठ के सामने हम सत्तनदास को सुनेंगे, वो इतिहास है हमारे कवि सम्मेलन का, युग पुरुष है हमारे कवि सम्मेलन के। अब मैं हंसी में नहीं कह रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, सचमुच मैं सत्तनदास को बहुत बहुत श्रद्धा से देखता हूं, क्योंकि मैंने उनका वो गुण देखा है जो उसको आम आदमी को वो दिखाना ही नहीं चाहते कभी। हमने कई बार देखा जो अमिताभ बच्चन हो वो अपनी भूमिका जॉनी वॉकर जैसी कर ले, जॉनी लीवर की कर ले, मुकरी बन जाए, ये इन्हीं का गुण है कि वो अमिताभ बच्चन का कद रखते हैं लेकिन जनता को हंसाने के लिए मुकरी का भी रोल कर लेते हैं, ये इनका बड़प्पन है जिसको मैं उनके सामने स्वीकार करता हूं। ये सौगंध अंतिम छंद सुन लीजिए बस, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने, बस आखिरी बात, सुनील जोगी जी ने बहुत मदद की आज मेरी, सचमुच मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है और मैं सुनील जोगी को बहुत प्यार करता हूं, इसलिए करता हूं कि छोटे भाई को नाराज नहीं करना चाहिए, रावण ने किया था, बाली ने भी किया था, प्रमोद महाजन ने भी किया था। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए,
देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ क्या कर जाओ साहब। 12 लाइन पढ़ता हूं, एक एक लाइन में मेरी एक एक मांग है। भारत सरकार से भारत की जनता की मांग है, कोई भी सरकार मेरी ये मांग पूरी कर दे मैं हिमालय चला जाऊं, कविता लिखना ही छोड़ दूं। लेकिन एक एक लाइन में एक एक मांग उठाता हूं और आपका पक्ष जानना चाहता हूं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से तो नहीं होने वाली साहब। एक एक लाइन में एक एक मांग सुन लो। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर, भूखे मरते, सल्यूट आपको, आप मेरी बात समझ रहे हैं। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। आदरणीय मोदी जी, इजराइल का प्रधानमंत्री लेके आए, जापान का प्रधानमंत्री लेके आए, चीन का राष्ट्रपति लेके आए, तीनों को अहमदाबाद ले गए और रोड शो किया। मैंने मोदी जी को ट्वीट किया कि आदरणीय मोदी जी, हिंदुस्तान की जनता आपको एक बार कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रोड शो करते हुए देखना चाहती है, देखना चाहती है। का चौथी लाइन सुनना और आपके दिल तक पहुंच जाऊं तो तालियां उठाना। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। मां बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भू। अंतिम पंक्तियां सुना। देखो साहब, आखिरी एक पंक्ति में तो पक्षपात मुझसे भी हो गया, इतना तो भारत में चलता है। कितना ही ईमानदार बन जाओ कोई आदमी, थोड़ा बहुत तो जात पात और पक्षपात, आपसी भाईचारा आ ही जाता है। अंतिम लाइन में आ गया। उससे पहले जो मेरी कल्पना है, कोई ऐसा देश में हो तो मैं उसको ईष्ट मान के पूजा करने रखूं। हो तो कोई, मेरी कल्पना सुना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर वो देश को यह विश्वास दिला दे कि सबका साथ ही सबका विकास ही उनका लक्ष्य है, उनके दिल में सबका साथ सबका विकास है, तो 19 भी उनका है और 24 भी उनका है। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। अंतिम पंक्तियां मैं कानों को नहीं सुना रहा, आपके दिल पे छापना चाहता हूं। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है। ऐसा लगे कि सब भारत की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है। ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है। ऐसा लगे कि दिल्ली को